मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। कि जब हम सब ये बात जानते हैं कि शुक्रगुजारी करनी चाहिए है, इट विल इंक्रीज द ब्लेसिंग्स मोर, लेकिन क्यों हम ये चीज़ भूल जाते हैं या इस चीज़ पे कायम नहीं रह सकते या इस पे अमल नहीं कर सकते? सब कुछ जानते हुए भी हम नाशुक्री क्यों नहीं छोड़ पाते? वो कौन से छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो शायद हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपना लें तो वो हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े चेंजेस ले आएगी? दिस इज़ द क्वेश्चन। देखिए, अगर हम किसी भी काम की जो स्टेप्स हैं उसकी तकमील, अगर हम प्रोसेस को अगर हम कंप्लीट नहीं करते, मैं चार डॉक्टर के पास जाता हूँ, चार डॉक्टरों को अपनी बीमारी बताता हूँ, चार डॉक्टर्स से नुस्खा लेता हूँ, पर्चा लेके आता हूँ, मेडिकल स्टोर पे भी जाता हूँ, दवाई लेके आता हूँ, दवाई सामने रखी हुई खाता नहीं, क्या होगा? समझो कि हासिल होगा? तो अगर मैं अपना जो साइकिल है उसको मैं कंप्लीट ना करूं, और जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ही यही है कि वो इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है, वो एग्जीक्यूशन का टाइम आया है, वो वाला टाइम दे होगा। और ये हमारे बताते अगर रवैयों में देखें, हमारे रवैये बिल्कुल ऐसे कैसे, अल्लाह तबारक व तआला जो है वो सबको तौफीक दे के रमजान के अंदर कुरान पाक जो है वो पढ़ते हैं। मेरी इल्तिजा है, मेरी इस्तिदा है आप लोगों से कि आपने जरूर कुरान पाक पढ़े होंगे, और बहुत सारे लोग तो कहते हैं मैंने 7 खत्म कर लिए और मैंने 11 खत्म, कुरान पाक खत्म करने के लिए तो आए ही, ये तो आए ही समझने के लिए। आप जरा इस रमजान के अंदर ये तहिया करें कि जी मैं तो तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, यानी मैं पहले जो है वो तो क्योंकि हमें वो पूरी साइकिल ही नहीं पता कि ये जो प्रोसेस मैंने शुरू किया है इसका कंप्लीट कैसे हो, और अगर मैं ये कंप्लीट पार्ट नहीं करूंगा, एंड पार्ट मैं जो है वो नहीं करूंगा, तो फिर ये मेरा साइकिल कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। और फिर हम क्या करते हैं, हम एक और नई साइकिल पर काम शुरू करते हैं, फिर हम एक और नया काम शुरू करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, वो चीज मुकम्मल नहीं करते, हम फिर उसके बाद नई चीज पे जो है वो चले जाते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर हम एक नई चीज को बढ़ जाते हैं। तो ये जो हम कोई भी हमने स्टेप अगर लिया है, कोई भी हम अगर एक काम, हमें उस काम को कंप्लीट करना है बिफोर वी विल स्टार्ट समथिंग। आप उन लोगों को हमेशा परेशान देखेंगे जो 4 ईमेल एक साथ खोल देते, वो 4 व्हाट्सएप के ग्रुप एक साथ जो है वो खोल देते, वो 3 असाइनमेंट एक साथ जो है वो खोल देते, और उसके बाद वो ये कहते हैं यार मैं ये वाला भी कर दूँ, अच्छा मैं ये वाला भी, अच्छा फिर मैं ये वाला भी, क्योंकि उसने उसको कंप्लीट करना सीखा ही नहीं, उसने उस साइकिल को कंप्लीट करना सीखा ही नहीं है। वो खाना भी जो है वो खा रहा है, उसके अंदर फोन पे भी बात कर रहा है, आगे की भी जो है वो कहानी सोच रहा है, बीच में पानी भी पी रहा है, उसको ये बात ही नहीं बताई गई है कि जो भी साइकिल होता है उसका एक बिगिनिंग होता है और उसका एक एंड होता है। आप उसको अपनी रोज बता के छोटी छोटी चीजों को बिगिनिंग और एंड को कम्प्लीट सेपरेट करना चाहिए। कुछ मैं आप पानी मुझे पीना है, अब मुझे पानी की बोतल खोलनी है, मुझे एक पानी के घूंट पीना है, फिर मैंने पानी का ढक्कन वापस रखना है और फिर मैंने इसको वापस रखना, अब ये मेरा एक साइकिल खुला, लेकिन मैंने पानी भी उठा लिया, उसके बाद मैं आपसे भी जो है वो बात कर रहा हूँ, फिर मैंने फोन भी जो है वो उठा लिया, फिर उसके बाद मैं एक और भी चीज़ पे एसी भी जो है वो सही है। जब मैं ये सारे काम करूंगा तो ना मैं ये सही करूँगा, जानता मैं सब हूँ, जानता मैं सही हूँ कि एसी कैसे चलता है, जानता मैं सही हूँ कि पानी कैसे होगा, जानता सब, जानने से क्या होगा? अगर मेरी आखिरी पार्ट जो है एग्जीक्यूशन का, मैंने नॉर्मली ये देखा है कि वो लोग जिस तरह की जो शिकायत कर रहे हैं वो लास्ट पार्ट नहीं करते हैं। और फिर क्या कहते हैं, मैंने सब कर लिया भाई, मैंने सब कर लिया, सब कर लिया, वो ये कहता रहेगा आपको, एक बार थोड़ी कई बार कर लिया डॉक्टर साहब, 100 बार कर लिया, 10 बार कर लिया, लेकिन मुकम्मल कभी किया नहीं, मुकम्मल कभी किया? जब आपने एक काम ही मुकम्मल नहीं किया तो आप दूसरा काम शुरू करने से पहले हर छोटे छोटे स्टेप्स को मुकम्मल करना सिखाएं, बच्चों को भी मुकम्मल करना सिखाएं, बच्चों को 3-3 काम एक साथ दे देने माए, टीचर 3 ये भी कर ले ये भी कर ले, उसको एक काम कंप्लीट करने दो ताकि उसको साइकिल पता लग जाए, उसको स्टेप्स पता लग जाए, फिर आप उसको दूसरा काम दो तो उसके अंदर तरतीब आएगी। और हमारे हमारे अपने सिस्टम के अंदर, क्योंकि इंटरनल सिस्टम की बात कि हमारे अपने आसाबी निज़ाम में हमने इतनी बेतरतीबी जो है वो डाल दी, इसीलिए हम दायरे ज़हन से की वजह से मुंतशिर भी रहते हैं और फिर अमल भी इसी तरह होता है जैसा आप।